भारत जल्द ही इतिहास रचने वाला है। पिछली बार असफल हुए चंद्रयान 2 से सीख लेकर भारत ने बनाया है पहले से ज्यादा बेहतरीन स्पेसक्राफ्ट, जो चंद्रयान 3 मिशन के तहत चांद को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। जी हां दोस्तों, 14 जुलाई 2023 के दिन दोपहर 2:35 के वक्त चंद्रयान 3 चंद्रमा के लिए रवाना हो गया है और इस बार का चंद्रयान मिशन पूरी दुनिया को ये दिखाने के लिए तैयार है कि भारत स्पेस रिसर्च की फील्ड में भी पूरी दुनिया से आगे है। और आज हम आपको चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्चिंग, चांद की सतह पर लैंडिंग, बजट, लॉन्च रूट और स्पेस क्राफ्ट में किए गए बदलावों से लेकर इसके मुख्य मिशन की पूरी जानकारी देंगे, ताकि आप भी इसरो के इस खास मिशन का हिस्सा बन सके। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। साथियों, आज तक सिर्फ अमेरिका, रशिया और चाइना जैसे 3 देशों को ही चांद पर अपना स्पेस क्राफ्ट उतारने में सफलता मिली है और चंद्रयान 3 मिशन सफल होते ही भारत दुनिया का वो चौथा देश बन जाएगा जिसने चांद पर जीत हासिल की है। आज से करीब 4 साल पहले 22 मई 2019 के दिन भारत ने चंद्रयान 2 को चांद पर भेजने की कोशिश की थी और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी भी इसरो के बेंगलुरु वाले हेड ऑफिस पहुंच गए थे और पूरा देश यही आस लगाए बैठा था कि चंद्रयान 2 मिशन सफल हो जाएगा। मिशन के शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा था और 7 सितंबर के दिन चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर उतरने ही वाला था कि तभी चंद्रमा की सतह से सिर्फ 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर विक्रम लैंडर से हमारा संपर्क टूट गया और हम चांद पर लैंडिंग करने में असफल हो गए थे। मिशन में मिले इस असफलता से इसरो के चीफ के सिवन काफी ज्यादा भावुक हो गए थे। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें गले लगाकर सांत्वना दी थी, जिसके बाद प्रेस मीट में पीएम मोदी ने कहा था कि हम यहाँ रुकेंगे नहीं बल्कि इससे सबक लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि विज्ञान यानी प्रयास और प्रयास और प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कही इस बात को आधार बनाकर इसरो ने फिर से चंद्रयान 3 को चांद पर भेजने के सपने बुनना शुरू कर दिया था, लेकिन उस वक्त हुई भूल को सुधारने में इसरो को पूरे 4 साल लग गए और अब उन्होंने पहले से ज्यादा एडवांस और पावरफुल स्पेस क्राफ्ट तैयार कर लिया है। दोस्तों, चंद्रयान 2 की नाकामयाबी से निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में जाना अपने आप में बड़ी चुनौती होती है। और जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका अपने सभी चांद मिशन में से कुल 26 बार फेल हो चुका है, जबकि रशिया को 14 बार फेलियर का सामना करना पड़ा था। लेकिन भारत ने तो अपनी पिछली असफलता से इतनी बारीकी से सीख ली कि इस बार चंद्रयान 3 का सफल होना तय माना जा रहा है। इस विषय पर बात करते हुए इसरो के मौजूदा चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 2 मिशन में भले ही हम असफल हुए थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि हम इससे सीख लेकर आगे बढ़े हैं। आगे उन्होंने कहा कि असफलता मिलने का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि हम कोशिश करना ही बंद कर दें। चंद्रयान 3 मिशन से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इस बार हम इतिहास रच देंगे। साथियों, 14 जुलाई के दिन दोपहर के 2:35 पर इसरो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित अपने सतीश धवन स्पेस सेंटर से अपने चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 को उसी रास्ते से चांद भेजा जाएगा जो चंद्रयान 2 का था, साथ ही इसे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ही उतारा जाएगा जहां पर चंद्रयान 2 को उतारा जाने वाला था। यानी हम यूं कह सकते हैं कि चंद्रयान 3 अपने पिछले साथी चंद्रयान 2 का बचा हुआ मिशन पूरा करेगा। हालांकि दोस्तों, चंद्रयान 3 में कई बदलाव किए गए हैं, जैसे कि इस बार स्पेसक्राफ्ट में कोई ऑर्बिटर नहीं है बल्कि इस वक्त हम एक प्रोपल्शन मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं जो चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को चांद के ऑर्बिट तक ले जाएगा, जहां इसे चंद्रयान 2 के उस ऑर्बिटर से कनेक्ट किया जाएगा जो पिछले 4 सालों से चांद के चक्कर काट रहा है। इसरो के इस मून मिशन के मुख्य 3 लक्ष्य हैं, जिसमें पहला है चंद्रयान 3 के लैंडर को चांद पर एक सॉफ्ट लैंडिंग करवाना, दूसरा है इसके रोवर को चांद की सतह पर चलाना और तीसरा चांद पर कुछ जरूरी साइंटिफिक रिसर्च करना। आइए अब एक एक करके इन तीनों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करें लैंडिंग की, तो किसी भी स्पेस क्राफ्ट की 2 तरह से लैंडिंग होती है, हार्ड और सॉफ्ट। जिसमें से हार्ड लैंडिंग में कोई भी स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में मौजूद ग्रह और उपग्रह पर तेजी से लैंडिंग करता है, जिससे सतह से टकराकर उसके क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
हार्ड लैंडिंग के दौरान ज्यादातर मामलों में स्पेसक्राफ्ट से हमारा संपर्क टूट जाता है या फिर वो एक जगह पड़े रहते हैं, और यही दिक्कत चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर के साथ भी हुई थी। अब कोई भी स्पेस एजेंसी अपने स्पेसक्राफ्ट की हार्ड लैंडिंग नहीं करवाना चाहती, लेकिन कई बार तकनीकी दिक्कतों की वजह से ऐसी लैंडिंग हो जाती है और ज्यादातर मामलों में मिशन फेल हो जाता है। दूसरी तरफ सॉफ्ट लैंडिंग में कोई भी स्पेसक्राफ्ट ग्रह और उपग्रह पर बिल्कुल धीरे धीरे उतरता है, जिससे उसके डैमेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम को भी इस बार सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयार किया गया है, जिससे इसके पार्ट्स डैमेज नहीं होंगे और ये अपना मिशन पूरा करके फिर से उड़ान भरकर ऑर्बिटर से आकर जुड़ जाएगा। दूसरे लक्ष्य यानी कि रोवर को चांद की सतह पर चलाने की बात करें तो इसके रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है, जिसे लैंडिंग के बाद चांद की सतह पर उतार दिया जाएगा। इस रोवर में कई सारे नेविगेशन कैमरा, एनर्जी के लिए सोलर पैनल और कम्युनिकेशन के लिए एंटेना लगाए गए हैं, और इसका वजन करीब 27 किलोग्राम है। ये चांद की सतह की डेटा कलेक्ट करके लैंडर को भेजेगा और लैंडर इस डेटा को ऑर्बिटर को भेजेगा, जहां से ये डेटा इसरो के ग्राउंड रिसर्च सेंटर पर पहुंचेगी। अब इस मिशन के तीसरे लक्ष्य यानी रिसर्च की बात करें तो चंद्रमा 3 का लैंडर चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा जहाँ आज तक कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं गया। यहाँ पर लैंडर और रोवर मिलकर चांद के तापमान की जांच करेंगे, चांद पर होने वाली भूकंपीय घटनाओं की जांच करेंगे, साथ ही ये चांद के वातावरण में गैस और प्लाज्मा की जांच भी करेंगे। इसके अलावा कई सीक्रेट साइंटिफिक रिसर्चेस भी किए जाएंगे। कुल मिलाकर इस मिशन से इसरो चांद की वो डेटा कलेक्ट करेगा जो चांद पर मानव बस्ती बसाने की कोशिश को एक और कदम आगे ले जाए। साथियों, चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर एक लूनर दिन तक रहेगा, जो कि धरती पर 14 दिनों के बराबर होता है, जिसके बाद ये फिर से उड़ान भरकर ऑर्बिटर के पास आ जाएगा। इस मिशन का बजट 615 करोड़ बताया जा रहा है। पहली बार सुनने में तो ये बजट आपको ज्यादा लग सकता है, लेकिन बता दें कि ये बजट पिछले दिनों रिलीज हुई फिल्म आदि पुरुष के 700 करोड़ के बजट से भी कम है, और इतने कम बजट में चांद पर जाकर इतने बड़े मिशन को अंजाम देना वाकई में काबिले तारीफ होगा। बता दें कि चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट का कुल वजन 3900 किलोग्राम है, जिसमें से प्रोपल्शन मॉड्यूल 2148 किलोग्राम और लैंडर मॉड्यूल 1752 किलोग्राम है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि चंद्रयान 3 धरती से लेकर चांद का सफर कैसे पूरा करेगा। तो चंद्रयान 3 के स्पेसक्राफ्ट को रॉकेट से जोड़कर इसरो ने अपने LVM-3 लॉन्च व्हीकल से जोड़ दिया, और यह मिशन LVM-3 के इग्निशन से शुरू हो गया। फिर ऊपर पहुंचने पर इसके अगल बगल लगे S-200 रॉकेट अलग हो गए, और आगे चलकर पेलोड को कवर करने वाले को खोलकर भी अलग कर दिया जाएगा। रॉकेट का दूसरा चरण भी अंतरिक्ष में आके पहुंचकर मेन स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाएगा, जिसके बाद तीसरे चरण में क्रायोजेनिक इंजन चालू कर दिया जाएगा जो चंद्रयान 3 को चांद तक ले जाएगा। फिर ये स्पेसक्राफ्ट धरती के कई चक्कर लगाते हुए पृथ्वी से दूर होता चला जाएगा और एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में चांद को अप्रोच करेगा, और कुछ देर बाद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के दायरे से बाहर होकर चंद्रमा के परिक्रमा पथ पर प्रवेश कर लेगा। चांद के ऑर्बिटर में पहुंचते ही लैंडर को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग करके चांद की सतह की ओर भेज दिया जाएगा, और सतह के नजदीक पहुंचते ही इसके थ्रस्टर्स ऑन कर दिए जाएंगे ताकि इसकी रफ्तार को कम किया जा सके और ये चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। ये लैंडिंग 23 या 24 अगस्त के दिन करवाई जाएगी। दोस्तों, आप में से कई लोग होंगे जो चंद्रयान 3 के लॉन्च को लाइव भी देख चुके होंगे। उनके लिए इसरो ने एक वेबसाइट जारी की थी और उस पर रजिस्ट्रेशन भी किया था, जहां जाकर आपने लाइव लॉन्च को देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो आइए हम कुछ आपको दिखाते हैं। Lift off normal. Here we have of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 space. तो दोस्तों, अगर आप भी हमारी तरह यही चाहते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन में भारत को अपार सफलता प्राप्त हो, तो कमेंट बॉक्स में इसरो को अपनी दुआएं जरूर देना। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इस मिशन से जुड़ी पल पल की जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।